हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किसे कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं टाइनी लिविंग थिंग्स, यानी ये हैं तो जानदार चीज़ें, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी टाइनी, बहुत छोटी छोटी जानदार चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आते हैं, इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स नज़र आ रहे हैं, यानी जानदार चीज़ें, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, यानी हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को वैसे ही नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जो इस तरह की छोटी सी एक चीज़ होती है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इधर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है, तो फिर हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? उन ग्रुप्स में शामिल हैं वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाए। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ये तकरीबन हर तरह के एनवायरनमेंट या माहौल में पाए जाते हैं। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इनके फ़ायदे भी होते हैं, यानी एडवांटेजेस भी होते हैं, और डिसएडवांटेजेस यानी नुकसानात भी होते हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात कर लेते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मदद देते हैं मुख्तलिफ तरह के फूड आइटम्स बनाने में। फूड आइटम्स यानी खाने पीने की चीज़ें जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मदद देते हैं। जैसे कि ब्रेड है, यानी डबल रोटी है, इसके अलावा मुख्तलिफ बिस्किट्स, केक्स वगैरह के बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मदद देते हैं। इसके अलावा दूध से दही और चीज़, यानी पनीर जो बनाया जाता है, दही जिसे योगर्ट भी कहते हैं, तो योगर्ट, चीज़ वगैरह के बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मदद देते हैं। तो एक ख़ास किस्म का प्रोसेस होता है जिसको फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं, उसके नतीजे में ये फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदेमंद होते हैं। एक और एडवांटेज की बात की जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की मेडिसन्स, यानी अद्वियात या दवाएं बनाने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स की तैयारी में। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आते हैं, तो इस तस्वीर में हमें मेडिसन्स नज़र आ रही हैं, यानी एंटीबायोटिक हैं और वैक्सीन नज़र आ रही है। तो एंटीबायोटिक्स कौन सी मेडिसन्स होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसन्स होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और इनमें से कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाए हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदेह होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां, जो इन्फेक्शंस होती हैं, उनके खिलाफ भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक मेडिसन्स बनाई जाती हैं ताकि उस इन्फेक्शन का ख़ात्मा किया जा सके।
और अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो वैक्सीनेशन की जाती है, यानी वैक्सीन्स लगवाए जाते हैं मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचने के लिए, या मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के इलाज करने के लिए, उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मेडिसन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं। एक और एडवांटेज की बात की जाए, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उस एडवांटेज, उस फ़ायदे को महसूस करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होता है, वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज़ यानी सनतों में इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाने के लिए, मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि पिगमेंट्स बनाने के लिए, बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और बायो पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। तो पिगमेंट्स क्या हैं, बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, बायो पेस्टिसाइड्स क्या हैं, इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीरें ले आते हैं। सबसे पहले हम देखें बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कहते हैं खाद को। खाद एक ऐसी चीज़, एक ऐसा केमिकल होता है जो कि ज़मीन में डाला जाता है ताकि पौधे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें, उनकी नशोनुमा अच्छे तरीके से हो सके। तो बाज़ार में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलते हैं उसके फ़ायदों के साथ साथ नुकसानात भी होते हैं, जबकि बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसी खाद जो कि लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। और ये लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छे हैं, इसके अलावा इनके कम नुकसानात होते हैं। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके कीड़े मार अद्वियात, पेस्ट का जो लफ्ज़ है वो कीड़े मकोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पौधों के लिए नुकसानदेह कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनको पेस्ट्स कहा जाता है, यानी जो पौधों में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। तो बायो पेस्टिसाइड्स ऐसी कीड़े मार अद्वियात हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, और ये इसका मतलब है कि इंडस्ट्री की ऐसी प्रोडक्ट है जो कि फ़ायदा मंद है। पिगमेंट्स क्या हैं? पिगमेंट्स ऐसी चीज़ है जिसको किसी दूसरी चीज़ को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी तैयारी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इंडस्ट्री में भी मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के नुकसानात क्या क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डिज़ीज़ की वजह बनते हैं, यानी मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहात बनते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ह्यूमंस यानी इंसानों में भी बीमारियों की वजह बनते हैं, एनिमल्स जानवरों में भी और प्लांट्स में भी बीमारियों की वजह बनते हैं। यहाँ पे हम अपने सामने कुछ कॉमन डिजीज़ ले आए हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से। यहाँ पर हमें इन तस्वीरों में हम ह्यूमन डिजीज़ देख रहे हैं, तो कॉमन कोल्ड है जिसे ज़ुकाम कहा जाता है, पोलियोमाइलिटिस है जिसको पोलियो कहा जाता है जो कि जिस्मानी माजूरी होती है, कॉमन कोल्ड जिसमें नाक बहती है, खांसी और गले में खराश महसूस होती है। पोलियोमाइलिटिस क्या है? एक जिस्मानी माजूरी है। एंथ्रेक्स क्या है? एनिमल डिजीज़ है। और सिट्रस कैंकर क्या है? एक प्लांट डिजीज़ है जिसमें के इस तरह से स्पॉट्स दाग से हमें नज़र आते हैं, तो ये डिज़ीज़ होती है जो कि लेमन और ऑरेंज वगैरह के फलों को मुतासिर करती है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डिजीज़ की वजह बनते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वजह बनते हैं फूड स्पॉयलेज की, यानी काफ़ी ज़्यादा जो फूड आइटम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से। जैसे इस तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे ब्रेड के ऊपर हमें ग्रीन ग्रीन सी
एक लेयर एक तह नजर आ रही है, तो ये किस वजह से होती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती है। अगर डबल रोटी को खुला रखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस पर अटैक कर देते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। जैसे इस तस्वीर में हम ब्रेड को ख़राब होता हुआ देख रहे हैं, तो ये है फंजाई की वजह से। और फंजाई क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इसी तरह से यहाँ पे हम ख़राब टोमेटो देख रहे हैं, तो ये भी फंगस अटैक की वजह से ख़राब हुआ है। तो इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं तो वो फिर खाने के काबिल नहीं रहते, तो इसको हम कहते हैं कि क्या है? फूड स्पॉइलेज, यानी खाना ख़राब हो जाता है। और अगर इस तरह का स्पॉइल्ड फूड या ख़राब फूड खाया जाए, यानी बासी खाना या ऐसा खाना जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो रह रहे हों, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? कंटेमिनेटेड फूड यानी ख़राब खाना खाने से, जिसमें क्या होता है कि वॉमिटिंग यानी उल्टी आती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी पेट वाला जो एरिया होता है वहाँ पे दर्द महसूस होता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के डिसएडवांटेजेस होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के एडवांटेजेस होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में।